सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला नजर मारदे आं सुर्खियां दे वल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं मिले आधार पूनावाला, कहा बच्चों लई अक्तूबर तक बाजार च आवेगा कोवैक्स का टीका। कोविशील्ड का उत्पादन वधाउण दी कोशिश कर रही है कंपनी। सरकारी कर्मचारियों लिए मोदी सरकार का वड्डा ऐलान, वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी च नहीं होगी कटौती। राज्यसभा च वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर च पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी, सांबा जिले च एक ड्रोन तो सुटे गए हथियार ते गोला बारूद नूं सुरक्षा फोर्सां ने किया बरामद। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। सीरम इंस्टीट्यूट दे सीईओ आधार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात की। इस दे नाल ही ओ सेहत मंत्री मनसुख मंडाविया नूं भी मिले। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट नूं सहायता देने लई सरकार नूं धन्नवाद दिता ते कहा कि कंपनी कोविशील्ड दा उत्पादन वधाउण दी कोशिश कर रही है ताकि मंग पूरी की जा सके। नवी दिल्ली विच इस तों बाद मीडिया नाल गल करदे होए आधार पूनावाला ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा साडी मदद कर रही है, असीं सहयोग लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा धन्नवाद करदे हां। उन्होंने कहा कि कोई संकट नहीं है, सरकार मदद कर रही है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों लिए अक्टूबर तक बाजार में कोवैक्स का टीका आ जाएगा। पूनावाला ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि बच्चों लिए कोवैक्स अक्टूबर में शुरू हो जाएगा तो यह DCGI की मंजूरी पर निर्भर करता है। उन्होंने दसिया कि यह दो खुराक वाला टीका होगा तो शुरू करने के समय इसकी कीमत तय की जाएगी। कोरोना काल हले भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों का काम घर तो ही चल रहा है तो बहुत सारे कर्मचारियों को हाले भी कुछ शंके वाली स्थिति है कि किते उन्हां दी सैलरी विच कटौती तो नहीं हो जाएगी। पर हुण केंद्र सरकार ने साफ कर दिता है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी विच किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। राज्यसभा विच वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने खुद यह ऐलान किया है कि कर्मचारियों के मनां चों डर दूर करने लिए ऐलान किया गया। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के भत्तियां विच कटौती नूं लैके कुछ शंके सन, उन्हां नूं दूर करन लई राज्यसभा दे एक मैंबर ने वित्त राज मंत्री तो सवाल पुछया सी। कोरोना महामारी कारण कई सरकारी विभागों विच घर तो काम करन दी इजाजत दिती गई सी ते बहुत सारे कर्मचारी हाले तक घरां तो ही काम करदे सन। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों नूं लगदा रहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट भत्ता वापस लै लिया। इस बारे जदों पंकज चौधरी तो पुछया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार अजिहा कुछ भी करन बारे नहीं सोच रही है, किसी भी कर्मचारी का नाम वापस नहीं लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर दीआं वख-वख दो थावां विचों सांबा जिले च एक ड्रोन तो सुटे गए हथियार ते गोला बारूदां नूं सुरक्षा फोर्सां ने बरामद कर लिया, जदों कि पूंछ जिले तो वायरलैस सैट ते होर समगरी बरामद हुई है। पुलिस ने कहा है कि पुलिस ते फौज दीआं संयुक्त टीमां ने केंद्र शासित प्रदेश के सांबा जिले के सरहदी खेत्र तो एक खेत चों दो चीनी पिस्तौलां, कारतूस ते होर समगरी बरामद की है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि सांबा जिले के घगवाल खेत्र च राजपुरा के सारथियान पिंड के बब्बर नाल इलाके विच सवेरे जम्मू कश्मीर लाइट इनफेंट्री ते पुलिस ने सांझी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक टेप नाल लिपटी एक बोरी मिली। उन्होंने दस्सिया कि तलाशी लैण ते पैकेट विच दो पिस्तौला, पांच मैगजीन, 122 राउंड कारतूस, एक सैलेंसर, पिट्ठू बैग, एक खाली पाइप ते IID मिलिया। अज तो मकान मालकां नूं नौकरां ते किराएदारां दी जांच लई सांझ केंद्रां विच जाण दी लोड नहीं पवेगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट लुधियाणा ने पूरे सूबे लई एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिस नाल मकान मालिक अपने मोबाइल नूं वरतदिआं इस ऐप राहीं जांच रजिस्टर कर सकणगे ते फीस अदा कर सकणगे। प्रगटावा अज इत्थे DGP पंजाब पुलिस श्री दिनकर गुप्ता ने किया। श्री गुप्ता जो पुलिस विकास प्रोजैक्टा की लड़ी का उद्घाटन करने लुधियाना विखे पहुंचे हुए सन। राज विच अपराध नूं कंट्रोल करने लई चुके जा रहे ठोस कदमों में हिस्से वजो मालकां द्वारा नौकरां किराएदारां ते कर्मचारियों की जल्द और समय सिर तस्दीक करने लई एक मोबाइल प्लेटफार्म लॉन्च किया। इस विशेष एप्लीकेशन के नाल लोगों नूं सांझ केंद्र जां पुलिस स्टेशन जाण की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह अपने मोबाइल फोनों की वरतों नाल ही अपने घर तों उन्हां दी जांच करवा सकते हैं।
श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मध्य प्रदेश विच सिकरी घर भाईचारे के मैंबरां नूं पुलिस वालों तंग परेशान ते पीड़ित किए जाण कारण उन्होंने अपने घर छड्डण लई मजबूर होण ते जंगलां विच शरण लैण दीआं रिपोर्टां आउण तों बाद पार्टी का पंच मैंबरी वफद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई विच उत्थे भेजिआ गिआ। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई च पहुंचे वफदां खरगोन विखे सिकली घर भाईचारे द्वारा निघा स्वागत किया गया ते फुलां दी वर्खा की गई। इस मौके सिरसा ने कहा कि वह भरोसा दवांदे ने कि असी वित्ती ते समाजिक तौर ते उन्हां दी सहायता लई ओ सब कुछ करांगे जो संभव है ते अगे भी करदे रहांगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुतंत्रता दिवस मौके 15 अगस्त नूं अमृतसर विखे राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे, जदों कि पंजाब विधानसभा दे स्पीकर राणा केपी सिंह रूपनगर, पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी फरीदकोट विखे राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। पंजाब सरकार दे आम राज प्रबंध विभाग वालों जारी किए प्रोग्राम अनुसार स्थानक सरकारां बारे मंत्री श्री ब्रह्मेंद्रा एसएस नगर विखे, वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा, समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिनती मंत्री साधु सिंह धर्मसौत फिरोजपुर विखे, पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा गुरदासपुर विखे ते तकनीकी सिक्ख्या मंत्री चरणजीत चन्नी एसबीएस नगर विखे राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। इस तरह ही समाजिक सुरक्षा इस्त्री ते बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी पठानकोट, जल सप्लाई ते सैनिटेशन मंत्री रजिया सुल्ताना मलेरकोटला, मेडिकल सिक्ख्या ते खोज मंत्री ओम प्रकाश सोनी जलंधर, खेड ते युवक मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी श्री मुक्तसर साहिब विखे, सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा फतेहगढ़ साहिब, माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ मानसा, जल स्रोत मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया तरन तारण, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू पटियाला विखे, लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंद्र सिंगला संगरूर अते उद्योग ते वणज मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा हुशियारपुर विखे ते खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु लुधियाणा विखे राष्ट्रीय झंडा लहराउण दी रस्म अदा करनगे। अमृतसर च साबका कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी वालों 2022 दीआं चोणां नूं लैके प्रैस वार्ता की गई। अनिल जोशी की प्रैस वार्ता विच वड्डी गिनती च जोशी के वर्कर उन्हां दे नाल मौजूद सन। उन्हां कहा कि उह जदों मंत्री सी उस समय अपने वर्करां नाल मीटिंग करदे सी ते हुण भी 2022 दीआं चोणां दी गल्लबात होई है। उन्हां कहा कि किसी भी पार्टी विच जाण दा फैसला उन्हां दे साथी करनगे। उन्हां कहा कि अज तों उन्हां दी इलैक्शन कंपेन दा आगाज कीता गया है। सत श्री अकाल चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सकत्र पूरन सिंह बंगा ने अहम बयान दिता। उन्होंने कहा कि दिल्ली विच किसान अंदोलन च बदामा दे लंगर की सेवा तो लैके उन्होंने वालों करोना वेले वक वक संस्थावां दे सहयोग नाल लंगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अते होर मडमुलियां सेवावां कीतियां जा रही ने जो बाद दस्तूर जारी ने। उन्नीस सौ संताली उस तो बाद 1984 ये जख्म अजे असी भुले नहीं, सेवा में फिर भी लगे हुए हैं क्योंकि सेवा जड़ी है वह गुरु महाराज ने साड़ी चोली पाई है। इस करके असी सेवा करते ही रहे करते ही रहेंगे। पिछले दिन बॉर्डर के उत्ते किसान जिहड़े कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुण तक लड़ रहे हैं, उन्हां वास्ते कैलीफोर्निया के विचकार अमेरिका विचकार जिहड़े किसान पंजाब तो गए उत्थे जा वसे ते और खेती ही करते हैं, उन्होंने काफ़ी वड्डी क्वांटिटी के विचकार बदामा दी लंगर की सेवा भेजी, जिस दे विचकार कैलीफोर्निया ग्रोवर यूएसए के नाल ही इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ने उस सेवा में हिस्सा पाया। लेकिन रिजल्ट की निकलिया, लोगों ने कहा लोग तो मूंगफलियां नहीं मंडते, ये बदाम मंड रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। असा ने वो गल फिर भी दिल से नहीं लगाई, इस तरह सेवा करते रहे। फिर कोविड आया, कोविड के विचकार राशन की सेवा गुरद्वारा गुरनानक दरबार ने मिल के कैलीफोर्निया ग्रोवर ने मिल के सारे ने मिल के सेवावं जीतियां कीतियां, जगह जगह पर लंगर लाए राशन लगे। फिर उस तो बाद ऑक्सीजन कंजरवेटर जीडिया कि मशीन की लौड़ पड़ी सी, असी ये भुलते हुए कि साढ़े जोड़े जख्म अजे ताजे ही हैं, लेकिन सेवा करनी है। पंजाब के विचकार आर्मी हॉस्पिटल जलंधर के विचकार कर्नल सतवंत सिंह के नाल
पटियाला दे विचकार हरप्रीत सिंह जी टाइम टीवी वाले के थ्रू तो नाल ही तुरी दे विचकार सिंगला फैमिली के नाल ला के असी वह मशीन प्लस बॉम्बे दे विचकार जगह जगह गुरुद्वारा साहिबान के डिस्पेंसरियों में असी मशीन सेवा जी है सारे ने नाल मिलकर की है। उस तो उपरांत हम फिर महाराष्ट्र के विचकार फ्लड आया होया है, असी फिर सारा कुछ भुलते हुए कि साढ़े स्टैंप आ गई है खालिस्तान आतंकवादियों की, असी फिर भी उस सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन असी ये भुल गए हाँ कि साड़ी अपनी कौम अपनी कम्यूनिटी जिसका असी ख्याल नहीं करते, साड़ा फर्ज बनता है कि असी सेवा दे नाल नाल सेवा तो करनी है लेकिन सब तो पहले असी अपनी कम्यूनिटी का ख्याल करना है, अपनी कौम का ख्याल करना है कि जाके आने वाली पीढ़ी जी है अपना पैरों से खलो सके, जिस दे विचकार साढ़े नाल एजुसिक एसोसीएशन के सरदार परमजीत सिंह जी कमिश्नर इनकमटैक्स जिड़ी कि बच्चों की पढ़ाई लिए फ्री सहायता कर रहे हैं, प्रोफेसर के पी सिंह साढ़े दूजे ट्रस्टी IMFS जिहड़े बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उन्होंने सहयोग दे रहे हैं, तो सरदार इंद्रजीत सिंह जी माटा जिड़े कि जॉब रिप्लेसमेंट विचार साड़ी मदद कर रहे हैं, असी सारे रल मिल के काम कर रहे हैं। नाल ही असी ये बेनती करना चाहते हाँ कि कैलीफोर्निया ग्लोबल एसोसीएशन इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन साढ़े ट्रस्ट वालों जिहड़े किसान शहीद हो गए उन्होंने बच्चों लिए उन्होंने बच्चों के विआह आर्थिक सहायता तो नाल ही उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिए असी जो सहयोग बन सकेगा असी करांगे। इस डिटेल लिए तुसी सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी टाइम टीवी पटियाला नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो नाल ही सरदार हरप्रीत सिंह जी साहनी पंजाब PTC पंजाबी चंडीगढ़ उन्होंने सहयोग कर सकते हो। बॉम्बे होर थावां दे साडे वट्सएप नंबर असी थले लिख रहे हैं उन्होंने तुसी सहयोग कर सकते हो, वध तो वध इस सेवा च तुसी साडा सहयोग दिओ, सानू माया की लोड़ नहीं, असी माया वास्ते बेनती नहीं कर रहे, थोड़ा सहयोग मांग रहे हैं ताकि वध तो वध जिहड़ी सेवा है अपनी कम्यूनिटी तक पहुँचा सकीए। मौड़ दे पिंड घूमन कलां विखे मुअत्तल डिपो की इनकुआयरी करन आई जिला फूड सप्लाई अफसर समेत टीम नूं पिंड वासियां ने बंदी बना लिया, भावें कि थाना मौड़ दी पुलिस ने जांच टीम नूं बाहर कढ़न की कोशिश की परंतु लोगों के गुस्से अगे पुलिस भी बेवस नजर आई। एकत्र की गई जानकारी अनुसार राशन च हेरफेर करन दे मामले विच फूड सप्लाई विभाग ने पिंड घूमन कलां दे सतीश कुमार दे डिपो नूं करीब 7 महीने पहला मुअत्तल कर दिता सी। खपतकारां दी शिकायत दे आधार ते डिप्टी डायरेक्टर दे हुक्म अनुसार कश्मीर सिंह जिला फूड सप्लाई अफसर मलौ अपनी टीम समेत पिंड घूमन कलां दे गुरुद्वारा दातनसर साहिब विखे जांच पड़ताल करन आए। जदों उन्हां 11 व्यक्तियों के करीब बयान दर्ज कर ले सन तां पिंड वासियों ने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर BKU मानसा ते उग्राहां जथेबंदी के वर्करां की मदद के नाल टीम नूं लंगर हाल विच ही बंदी बना लिया। उधर इस मामले का पता चलदिया ही थाना मौड़ के मुखी बलविंदर सिंह ढिल्लों पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे तो उन्होंने टीम नूं बाहर कढ़न लई काफ़ी जदोजहद की परंतु लोगों के गुस्से अगे पुलिस भी असफल रही। समाज विरोधी अंसरों खिलाफ विधि मुहिम तहत कार्रवाई करदे रायकोट सिटी पुलिस वालों मोबाइल चोर गिरोह के 2 मैंबरों नूं बाइक चोरी के मोबाइलों समेत काबू किया। दसनयोग है कि रायकोट शहर में पिछले दिन प्रवासी मजदूरों तो मोबाइल चोर गिरोह वालों मोबाइल चोरी किए गए सन। इस चोरी दी घटनावां पुलिस थाना सिटी रायकोट वालों सुलझाउंदिया चोर गिरोह के 2 मैंबरों चोरी किए मोबाइलों समेत काबू किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना सिटी रायकोट विखे DSP रायकोट गुरबचन सिंह ने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की। गिदड़बाहा के नेड़े पिंड थराजवाला के रहने वाले फौजी आकाशदीप सिंह का उसके दोस्त वालों तलवार मार के कतल कर दिया गया। इस मामले च इंसाफ की मांग लैके पीड़ित परिवार वालों रोस धरना लगाया गया। इस मौके पीड़ित परिवार ने दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी अनुसार आकाशदीप सिंह जो कि फौज बीते 3 साल तो पठानकोट विखे नौकरी करता से उसके दोस्त ने तलवार मार के कतल कर दिया। रायकोट शहर में सड़कों से आवारा फिरते पशुओं कारण जिथे रोजाना सड़की हादसे बढ़ते जा रहे हैं उत्थे ही इन आवारा पशुओं के आपस में भिड़न कारण लोगों का भारी जानी ते माली नुकसान भी हो रहा है। अजिहा मामला देर रात रायकोट शहर के बस स्टैंड से उस समय वापरिया जो आपस में भिड़ के 2 आवारा ढठिया ने एक दुकानदार की जान ले ली। जानकारी के अनुसार रायकोट बस स्टैंड के बाहर लुधियाना बठिंडा राजमार्ग से स्थित चौंक में 2 आवारा सांड आपस में लड़न लग पे सन। इस दौरान एक फल विक्रेता दुकानदार मोहन लाल जो बस स्टैंड से फल वेचण की दुकान करता अपनी दुकान तो घर वापस जा रहा है तो सड़क से आपस में चल रहे ढठिया ने उसनों अपनी लपेट में लै लिया तो उसनों जोरदार टक्कर मार के सुट दिता जिस कारण वह जख्मी हो गया। जिसते आले दुआले के दुकानदार ने उसनों रायकोट के एक हस्पताल दाखिल कराया जिथे डाक्टर ने उसनों मृतक घोषित कर दिता है।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।